सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की प्रीति, प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति की इतनी अधिक महिमा है कि उच्च कोटि के भगवत प्रेमी भक्तों के सम्मुख भगवान भी कभी कभी सिर झुका देते हैं। गोपियों के साथ भगवान ने महाराष्ट्र में जब अंतर्धान हो गए थे तो स्वयं कहा था, गोपियों तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, तुम्हारे प्रेम के सम्मुख मैं भी नतमस्तक हूँ। भाव ये था भक्तों। अब आप ये समझिए कि पौरोहित्य कर्म जो होता है वो संसार के सभी धार्मिक कृत्य संपादन करने के लिए होते हैं, किंतु कभी कभी वशिष्ठ जैसा पुरोहित उच्च कोटि का भगवत भक्त भी मिलता है। वशिष्ठ जी सर्वश्रेष्ठ पुरोहित थे और महान भक्त थे। भगवान का अवतार होगा इसलिए सूर्यवंश की पुरोहिताई किया था, नहीं तो करने के लिए मना कर दिया था। और जनक जी महाराज ऐसे ज्ञानी थे कि जो केवल ज्ञानी नहीं प्रेमी भी थे। बंदों परिजन सहित विदेहु जिन्हें राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनके अंदर राम जी का गूढ़ प्रेम था। और ये दोनों ही उच्च कोटि के महान ज्ञानी और भक्त श्री वशिष्ठ जी और जनक जी भरत के प्रेम के सम्मुख सिर झुका देते हैं। भरत महामहिमा जलराशि मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। मुनिमति अर्थात वशिष्ठ जी की मति भरत की महामहिमा जल राशि के सम्मुख जैसे कोई अबला खड़ी हो जाए कि मैं इतना जल नहीं पार कर सकती हूँ तैर कर, ऐसे ही वशिष्ठ जी सिर झुका रखे थे भरत की भक्ति के सम्मुख। जनक जी ने सुनैना से कह दिया कि भरत की महान महिमा को केवल राम जानते और कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो भी बखान नहीं कर सकते सुनैना। भरत अमित महिमा सुन रानी जाने राम न सकहिं बखानी। भक्तों, प्रभु की उच्च कोटि की भक्ति अर्थात उच्च कोटि का प्रेम सर्वोपरि होता है। यही कारण था कि बड़े बड़े विद्वान काशी के जब बुलाए भगवान को कि आप आइए हमारे पास, तो भगवान नहीं आए। बड़े उच्च कोटि के विद्वान वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, सामूहिक वेद पाठ कर रहे थे, सामूहिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तभी भगवान नहीं आए। और श्री रैदास जी महाराज ने रोते हुए प्रभु को पुकारा है और कहा, रैदास दास की सेवा मानहु देवा पतित पावन नाम आज प्रकट की जय। विलंब छाण आइए कि तो बुलाए लीजिए, पतित पावन नाम आज सांच कर दीजिए। प्रभु अब विलंब मत करिए, आ जाइए, या तो मुझको ही बुला लीजिए अपने पास, अपना पतित पावन नाम आज सार्थक कर दीजिए। मंत्र नहीं बोले थे रैदास जी महाराज, केवल प्रेम से पुकारा था, जैसे कन्हैया बछड़े की पुकार सुनकर दौड़ जाते हैं, गोपियों की प्रेम भरी पुकार सुनकर दौड़ जाते हैं, ऐसे ही
रैदास जी की प्रेम भरी पुकार सुन करके भगवान शालिग्राम सिंहासन सहित रैदास जी की गोद में आकर विराज गए थे। यहाँ मैं ब्राह्मणों को छोटा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ भक्ति को बड़ी बता रहा हूँ। भक्ति जिधर ज़्यादा है वो बड़ा है। रैदास जी की भक्ति बहुत ऊंची थी और महाराज इसीलिए भक्ति महारानी के द्वारा उनकी विजय हुई थी। एक और चरित्र मैं आपको सुना रहा हूँ, चित्तौड़ नगर की रानी जिसका नाम था झाली, उसके मन में दीक्षा का विचार आया तो वो गुरु की खोज करती करती, वो तीर्थाटन करती हुई बहुत से संतों के दर्शन भी किए और सोचती थी ऐसे संत से दीक्षा लूँगी जिनके अंदर हृदय में लबालब भक्ति हो, प्रेम भरा हो और प्रभु उनके प्रेम में रिझे हुए हो। और वो तीर्थाटन करते करते काशी आई चित्तौड़ की महारानी झाली। तो पंडों ने संत महंतों के दर्शन कराए, रानी ने रैदास जी का सुयश सुन रखा था इसलिए उनके दर्शन की इच्छा की, तो मुझे तो रैदास भक्त के पास ले चलिए। पंडों ने कहा, अरे रानी क्या हो गई तेरी बुद्धि को क्या हो गया, इतने बड़े बड़े महान ब्राह्मणों को छोड़ करके एक चर्मकार के पास जाना चाहती है। रानी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोले मैं चर्मकार के पास नहीं, मैं महान भक्त रैदास के पास जाना चाहती हूँ। मैं उनकी जाति नहीं देखती, उनकी भक्ति देखती हूँ। आखिर में लाचार होकर पंडा लोग रैदास जी के पास ले गए, क्या करते, मान ही नहीं रही थी रानी। बहुत कुछ प्रमाण दिया कि ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं होता, तब भी नहीं मानी। महाराज जी रैदास जी तो सिद्ध संत थे ना, भगवत भक्ति में सिद्ध थे। दर्शन मात्र से उनमें रानी की गुरुबुद्धि हो गई, दीक्षा की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे थे। रैदास जी कह रहे थे, अरे महारानी, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे दीक्षा दूँ। पंडा लोगों बोले कि देखो रानी, मैं पहले ही कह रहा था कि वो छोटा है, वो कैसे दीक्षा देगा। रानी ने सिर झुका कर कहा, महाराज मैं आपके अंदर भगवान का खेलता हंसता स्वरूप देख रही हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए आप। रानी को राम जी उनकी गोद में दिखलाई पड़ रहे थे, रैदास जी की गोद में राम जी की झांकी हो रही थी रानी को, इसलिए अन्न जल त्याग कर बैठ गई। रानी ने कहा, मुझे किसी उपदेश की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि रैदास भक्त की गोद में राम जी बैठे हैं। महाराज जब उनका सच्चा प्रेम देखा झाली रानी का, चित्तौड़ की महारानी झाली का सच्चा प्रेम देखा रैदास ने, तब रैदास जी ने कहा कि आपके प्रेम के सम्मुख मैं सिर झुकाता हूँ, अब मैं आपको जरूर दीक्षा दूंगा। वैष्णव धर्म का उपदेश किया, दीक्षा दिया, मंत्र दिया। रानी के साथ बहुत से ब्राह्मण भी थे, उन्हें यह अनुचित प्रतीत हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, इस बहुत उल्टा बोला, मैं वो बोल नहीं पाऊँगा। रैदास जी की जाति को लेकर के बहुत उल्टा सीधा बहुत बोला, अनुचित बोला। और सब संगठित होकर के भीड़ भाड़ के साथ राजा के पास जाकर पुकार की और कहा कि इनको उच्च वर्ण को शिष्य बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, अब रैदास मनमानी कर रहे हैं। उच्च वर्ण के लोगों को एक क्षत्राणी रानी चित्तौड़ की महारानी को दीक्षा इन्होंने दिया, अरे इनको दीक्षा देनी है तो छोटे जाति के लोगों को दें।
राजा ने फिर सबके प्रार्थना और सबकी बातों को मान करके रैदास को बुलवाया। विवाद हुआ, विद्वान पंडित लोगों ने बड़े विवाद किए। राजा ने कहा, भैया जिसकी गुरु बुद्धि है जिसमें, वही तो उसका गुरु होगा। आप लोगों के लिए गुरु बुद्धि रानी की नहीं है, रैदास महाराज के लिए गुरु बुद्धि है, इसलिए उन्होंने उनको गुरु माना। लेकिन महाराज हठ धर्मी विद्वान ब्राह्मण लोग जो थे वो बोले, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, परीक्षा ली जाएगी। और ब्राह्मणों ने सोचा कि इस बार तो हमारी विजय होगी, क्योंकि उस बार जो शालिग्राम जी थे वो रैदास के थे, इसलिए किसी चेतक के द्वारा कोई चमत्कार करके उन्होंने हमारी ओर नहीं आने दिया, अपनी ओर खींच लिया था शालिग्राम को और हम हार गए थे। इस बार हम रैदास के ठाकुर नहीं रखेंगे, हम अपने ठाकुर जी बीच में रखेंगे, फिर देखते हैं वो ठाकुर जी किधर जाते हैं, हम ब्राह्मणों की ओर आते हैं कि उसके पास जाते हैं। शब्द वो गलत बोल रहे थे, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। वेद और स्तोत्रों के पाठ करते करते उनके गला सूख गए महाराज। वो सब गलत नहीं है, वेद और स्तोत्र सही हैं, लेकिन प्रेम उससे भी ऊपर भक्तों। वेद स्तोत्र का पाठ करते करते गला सूख गए पंडित लोगों के, थक करके सब चुप हो गए, उन्हीं के ठाकुर जी उनकी ओर नहीं गए। भगवान तो महाराज भक्त द्वेषी ब्राह्मणों के पास नहीं गए, उन्होंने कहा कि ये भक्तों से द्वेष करते हैं, ये ब्राह्मण तो जरूर हैं लेकिन ये भक्तों से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तब राजाज्ञा हुई, ब्राह्मण लोग अब आप लोग जब परास्त हो गए तो आप चुप बैठ रहिए शांति से, और फिर राजाज्ञा हुई। महाराज ने कहा, रैदास आप संत हैं, आप बुरा मत मानिएगा, ये लोग जो मन में आए सो बोलते रहे, लेकिन आप तो महान संत हैं, आप इनके ठाकुर जी को बुलाइए, भगवान तो एक ही होते हैं, चाहे आपके हों चाहे इनके हों, आपकी भक्ति में शक्ति है तो आपके बुलाने पर आ जाएंगे ठाकुर जी। और महाराज जब प्रेम भरी पुकार किया है, रैदास रोने लगे पुकारते पुकारते कि प्रभु आप जो मेरे शालिग्राम हो, वही तो ये इन लोगों के बीच में जो इनके ठाकुर जी हैं वही तो आप हैं, कोई अलग अलग भगवान तो होते नहीं, अब आप मेरी प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर मेरे पास आ जाइए ना, मैं आपकी सेवा करूँगा। महाराज जब प्रेम से पुकारा है रैदास जी, तो ठाकुर जी तुरंत आ गए उनकी गोद में, और भक्तों में हर्ष की लहर फैल गई। विमुखों ने इसे कलयुग का प्रभाव बताया। जो विमुख लोग थे ना, भक्ति विरोधी लोग, बोले भैया एक घोर कलयुग है, अब भगवान भी कलयुग में ऐसे हो गए हैं कि हम विद्वान ब्राह्मणों की तरफ नहीं आते हैं। और उन्होंने रैदास जी को शूद्र कहा कि शूद्र की तरफ जा रहे हैं, भगवान शूद्र या ब्राह्मण नहीं देखते भक्तों, वो भक्ति देखते हैं, भक्ति किसके अंदर है वो देखते हैं। आखिर में राजा ने कह दिया, देख लो भाई आप, मैं किसके और बोलूं, आप लोग खुद ही निर्णय अपना कर चुके हैं, आप ही के भगवान आपकी तरफ नहीं आए और रैदास के पास पहुंच गए। चुपचाप सब लोग चले गए अपने घर। लेकिन महाराज उसमें से कुछ ब्राह्मण अब समझ गए थे कि रैदास जी महान भक्त हैं, रैदास के सम्मुख हमारी भक्ति नहीं है, हमारी भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित है, हमारी भक्ति में प्रेम नहीं है, हमारी भक्ति में प्रभु को रिझाने की शक्ति नहीं है, इसलिए ठाकुर जी इनके ऊपर रिझे हुए हैं इनकी प्रेम की भक्ति देखकर। तो भक्तों
काशी के बहुत से भक्ति का चमत्कार देख करके ब्राह्मण नतमस्तक होकर विनम्र होकर रैदास जी की तरफ झुक करके आए और प्रणाम करके बोले, हमें माफ़ करिए, हम अहंकार में थे, अब समझ हमारी आ गई कि भक्त महान होता है। भक्तों, जब झाली रानी काशी से चित्तौड़ के लिए जाने लगी तो विदा होते होते उन्होंने प्रार्थना किया रैदास जी से कि आपसे मेरी एक विनती है कि आप चित्तौड़ में दर्शन दीजिए, जीवों का उद्धार होगा आपके आने से, पहले तो कहीं जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रानी की भक्ति देख करके रैदास जी ने हाँ कर दिया। और इसीलिए चित्तौड़ पहुंच करके झाली रानी ने पत्र भेजा है। और जिस प्रकार काशी में मंत्र प्रदान करके आपने मुझ पर कृपा की, उसी प्रकार यहाँ आकर दर्शन दीजिए, बड़ा भाव भरा पत्र लिखा था रानी ने। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि देख लिया था कि गुरुदेव भगवान साक्षात प्रेम के ही स्वरूप है। रानी की प्रार्थना स्वीकार करके रैदास जी महाराज चित्तौड़ पधारे। रानी ने बड़ा भारी भव्य स्वागत सत्कार किया, बहुत सा धन और वस्त्र न्यौछावर किया, बड़े बड़े भंडारे हुए। भक्तों, ये जाति का अहंकार क्या बताएं, बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मैं भक्तों का चरित्र सुना रहा हूँ आपको। इस जातिवाद और जाति के अहंकार ने ऐसी बुद्धि कर रखी थी कि चित्तौड़ के भी ब्राह्मणों ने बस यही सीधा कह दिया, हम भोजन नहीं स्वीकार करेंगे, जहाँ पर हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है। और शब्द तो उनके सब नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुख्य यही कहा कि शूद्र का सम्मान हो रहा है, ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, उस भंडारे में हम नहीं आ सकते। भक्तों, वहाँ शूद्र और ब्राह्मण की बात ही नहीं थी, वहाँ तो भक्ति की बात थी। भगवान कब देखते हैं कि तुम ऊंची जाति के हो या छोटे हो, कहाँ देखते हैं प्रभु? तो गोद में उठा लिया था चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास को, शबरी के यहाँ सब ऋषियों को छोड़कर ठाकुर जी राम जी चले गए थे। अनंत चरित्र हैं ऐसे, उन सबको मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, पहले आपको सुना चुका हूँ चरितावलियों में। तो ब्राह्मणों ने भोजन करना अस्वीकार कर दिया, हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते राजा। रानी, तुम ब्राह्मणों का तिरस्कार करती हो और शूद्रों का सम्मान करती हो, तुम्हारे यहाँ रसोई हम नहीं स्वीकार करते। रानी ने कहा, महाराज ऐसी बात है तो आप लोग राशन ले लीजिए, अपना अलग बना लीजिए। तब कुछ ब्राह्मणों स्वीकार किया, कुछ तो अहंकार के मारे लौट गए वापस। और जब भोजन करने लगे हैं महाराज, तब दो दो ब्राह्मणों के बीच में रैदास जी बैठे दिखाई पड़े। जो भोजन ब्राह्मणों ने खुद बनाया था, वो सोच रहे थे, कह रहे थे कि हमारा भोजन पवित्र है, हमने खुद बनाया है, हम कितना मंत्र बोलते हुए बनाए हैं भोजन। जब वो प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं विप्रदेव लोग, तो दो दो ब्राह्मणों के बीच में रैदास जी बैठे दिखते थे। एक साथ तमाम रैदास प्रकट हो गए, एक नहीं अनेक रैदास। तब कितने ब्राह्मणों की, मतलब अधिकांश ब्राह्मणों की आंखें खुल गईं, चमत्कार देख लिया कि अरे ये तो हम सब ब्राह्मणों के बीच में प्रकट हो गए रैदास, इसका मतलब है कि भगवान के जैसे हैं ये। तो भक्त और भक्ति की महिमा का ज्ञान हुआ। और कितने अहंकारी तो ऐसे भी थे, किसे जादू समझ रहे थे और ग्लानि से गले जा रहे थे, कितने
कि मेरी पंगत में घुसकर रैदास ने हमें भ्रष्ट कर दिया, कुछ तो ऐसे बोल रहे थे। दो तरह के थे भक्तों, रैदास जी जब प्रकट हुए पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में, तो कितने तो ऐसे थे जो नतमस्तक हो गए कि रैदास जी की भक्ति महान है, हम इनके सम्मुख कुछ नहीं है। वो तो चरणों में आ गए कि हमें विभक्त बना लीजिए। और बहुत से अहंकारी ऐसे थे कि जादू समझ रहे थे और कहने लगे कि हमें भ्रष्ट कर दिया इसने। अब क्या कहें, इसमें शब्द उनका बोला हुआ मेरे मुंह से निकल पड़ा। तो उन लोगों ने ऐसे बोल दिया रैदास जी के लिए कि हमें भ्रष्ट कर दिया। रैदास जी ने भ्रष्ट नहीं किया था, उनको पवित्र किया था भक्तों। आप शायद इस बात को नहीं अच्छा लगे तो मत मानिए भाई, लेकिन रैदास ने तो बहुत ब्राह्मणों को पवित्र कर दिया, जिनका अहंकार का रोग मिटा दिया। अहंकार के रोग से मुक्त होकर के वो ब्राह्मण लोग भक्त हो गए। अब जिनके पाप ज़्यादा थे महाराज, उनके अहंकार उनको नहीं शुद्ध होने दिया। अपराह्न के समय सिंहासन पर पधरा करके उनके उपदेश श्रवण करने के लिए रानी सहित बहुत से लोग एकत्र हुए और ब्राह्मण लोग भी बैठे थे। ब्राह्मणों के मन में आ रहा था इतना ज़्यादा सम्मान इनका हो रहा है और हमको कोई पूछता नहीं इनके सम्मुख। तब रैदास जी ने एक चमत्कार किया। भक्तों धैर्य से सुनिएगा, आप लोग नाराज मत होना कि आज विपरीत निंदा हो रही है। विपरीत निंदा नहीं हो रही, भक्ति महिमा का, भक्ति की महिमा का गान हो रहा है। भक्तों जिनके सम्मुख विप्र भी नतमस्तक होते हैं, भक्ति महारानी है। तो रैदास जी महाराज ने आज ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए एक चमत्कार किया है, अपनी त्वचा को चीर करके सबके सम्मुख श्री रैदास जी ने अपनी त्वचा को फाड़ करके चमड़ी के अंदर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया, चमचमाता हुआ। और अब सबको विश्वास हुआ कि ये दिव्य पुरुष हैं। इनके शरीर के ऊपर तो जनेऊ कहीं नहीं है, क्योंकि ये जनेऊ पहनना अपना अधिकार नहीं मानते हैं। लेकिन क्या ठाकुर जी ने इनको पवित्रता दी है कि इनकी चमड़ी के अंदर सोने का जनेऊ चमचमा रहा है, दिखलाया उन्होंने चमड़ी फाड़कर। तब अधिकांश ब्राह्मण सिर झुका के बोले, महाराज आप ब्राह्मणों में भी महान ब्राह्मण हैं, जिनके अंदर जनेऊ है। हमारी जनेऊ तो गिर भी जाती है, टूट भी जाती है, आपकी जनेऊ न गिरने वाली न टूटने वाली। तो जो चमड़ी के अंदर जनेऊ चमचमाती हुई उन्होंने दिखाया है, उसको देख करके इन लोगों की बुद्धि सुधरी है। और जब मीरा बाई ने सुना कि श्री रैदास जी महाराज चित्तौड़ पधारे हैं, झाली रानी ने बुलाया है, तो भागी आई मीरा जी, दर्शन किया, चरणों में मस्तक रख दिया और देखा कि हमारे गिरधर गोपाल तो इनकी गोद में बैठे हैं। मीराबाई ने देखा कि रैदास जी की गोद में गिरधर गोपाल बैठे हैं। बस मीराबाई तो चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने चरणों की आश्रिता शिष्या बना लीजिए गुरुदेव। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपके चरणों की दासी, मुझे शिष्या बना लीजिए। मीरा जी ने अपनी वाणी में लिखा है ऐसा, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे, दीसत गुरु रैदास।
भक्तों में सेन भक्त का चरित्र सुना चुका हूँ, रामसेन महाराज का पहले आप सुन चुके हैं। उनका नाम लिया है चेतन संता सेन थे दीसत गुरु रैदास, मीरा मेरे संत हैं। मीरा जी कहती हैं संत लोग मेरे हैं, अपने हैं मेरे। मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। चेतन संता सेन थे दीसत गुरु रैदास, नहीं मैं पीहर सासरे नहीं पिया के पास। मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रैदास। उन्होंने कहा कि मेरा पीहर सासुर कुछ भी मेरे महत्व का नहीं है। नहीं मैं पीहर सासरे नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रैदास। भक्तों, मीरा जी ने रैदास भगवान के भक्त को सच्चा गुरु समझ करके गुरु रूप में वरण किया, अपने को शिष्य के रूप में चरणों में समर्पित किया है। और भक्तों, आगे का चरित्र आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महान भक्तों, गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी के महान शिष्य रैदास जी, उनकी शिष्या झाली रानी मीराबाई, इन सबको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।